कला संस्कृति के क्षेत्र में विश्वविख्यात एशिया की प्रमुख मार्बल मंडी किशनगढ़ में आज़ादी पूर्व सन 1936 में ये संस्था माध्यमिक विद्यालय के रूप में प्रारंभ हुई। करता है। इस विद्यालय में अनेक खेल मेला उपलब्ध है, जिसमें 200 मीटर ट्रैक, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में टीटी टेबल, बैडमिंटन आदि है। कंप्यूटर प्रयोगशाला में विद्यार्थियों को नियमित रूप से प्रायोगिक कार्य कराए जाते हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कराई जाती हैं, जिसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान, विज्ञान, समसामयिक की क्विज आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जो कि वर्तमान समय में सरकारी सेवा प्राप्ति हेतु अति महत्वपूर्ण है। विज्ञान प्रयोगशाला में कई सूक्ष्मदर्शी, चार्ट्स, स्पेसिमेन व आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं। विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत युवा वर्ग में समाज सेवा के प्रति पूर्ण निष्ठा और लगन का भाव उत्पन्न करने हेतु श्रमदान, वृक्षारोपण, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा हेतु यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई संचालित है। IPS 2013 बैच हरियाणा कैडर से हूँ। मुझे वर्ष 2005 से 2007 तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ का विद्यार्थी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस विद्यालय द्वारा प्रदत्त अध्ययन की गुणवत्ता एवं गुरुजनों द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन को अपने जिंदगी का टर्निंग पॉइंट मानता हूँ। Hi, I'm Rajesh Vijayvargiya. I did my schooling from Government Senior Secondary School in 2010 with PCM. Right after that, I graduated from Bitspilani in Electrical Engineering. Currently, I'm working at Sandisk Bangalore as a design engineer. The best thing about the school is it brings diversity among the students, and this helps it to inculcate competence, which helps you in your professional life as well as every aspect of the life. So, yeah. मैं मनीष बागवानी सत्र 2013-14 में इस विद्यालय के विज्ञान संकाय का छात्र रहा हूं और मेरा चयन लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान MNIT जयपुर में ECE ब्रांच में हुआ है। मैं मोहम्मद इमरान वर्ष 2000 से 2004 तक इस विद्यालय में विज्ञान संकाय का छात्र रहा हूं। मैं वर्तमान में राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। एक कृत्य है, शब्द नहीं। बिना प्रतिबद्धता के कोई भी स्वप्न मूर्त रूप नहीं ले सकता। किसी भी राष्ट्र का विकास उनके विद्यार्थियों के विकास पर निर्भर करता है। आप सब प्रतिबद्ध हैं कि